गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम मैथ के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो मैथ के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पे हमने आपको बेसिकली ग्राफ बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी बता दिया था बेटा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ बता दिए थे बेटा। अब कुछ बचे हुए छोटे छोटे ग्राफ उनको भी हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो और कौन से, जैसे मॉड के ग्राफ, ठीक है, फटाफट देख लो बेटा। जैसे आपको एफ एक्स बराबर मॉड एक्स ग्राफ हो, ये आपको पहले भी इनइक्वालिटी में हमने सिखा दिया, तो फटाफट बस देख लो बेटा कैसा ग्राफ होता है इसका, मॉड का ग्राफ याद करो। तो याद करो मॉड की डिफिनेशन क्या होती है बेटा, इस मॉड के अंदर नंबर अगर प्लस होता है तो मॉड किस साइन से खुलता है, अगर मॉड के अंदर नंबर जीरो या जीरो से बड़ा हो तो मॉड प्लस साइन से खुलता है, अगर मॉड के अंदर नंबर जीरो से छोटा हो तो मॉड कैसे खुलता है, माइनस साइन से खुलता है। तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन कब खींचनी है, जब एक्स पॉजिटिव, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होगी नहीं, तो लाइन ड्रॉ करना आपको आ भी गया बेटा। अब वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कैसी होगी बेटा, ओरिजिन से होकर जाने वाली और उससे 135 पर एंगल बनाए, तो ऐसी लाइन होगी कि नहीं बेटा। तो ध्यान से देखो, तो कैसा ग्राफ आता है बेटा मॉड का, वी शेप में आता है। तो ये कौन सी लाइन है बेटा, ये है वाई इक्वल टू एक्स लाइन है और ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स। साथ साथ आप ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी ग्राफ एक्स के किसी मान पर कोना बनाए, देखो ये ग्राफ के एक्स बराबर जीरो पे कोना बना रहा है कि नहीं बेटा, अगर कोई भी ग्राफ एक्स के किसी मान पर अगर कोना बनाता है तो वहां पर वो फंक्शन क्या कहलाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। का क्या कहलाता है बेटा, नॉन डिफरें। ये तो ये किसका ग्राफ था बेटा, ये था मॉड का ग्राफ, किसका था, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स ग्राफ। क्लियर है बेटा, फटाफट बना लो, चलो बना लीजिए बेटा इस ग्राफ को फटाफट, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं, हमने मॉड की इनइक्वालिटी में पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो रफ्तार से इसको थोड़ा कर लेते हैं, आसान है बेटा, क्लियर। तो वी शेप में बनता है, कैसे बनता है ये, वी शेप में। अगला आता है एफ एक्स बराबर, अगला क्या है बेटा, अगला कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, याद है बेटा, ऐसा स्टेयर की तरह सीढ़ी की तरह इसका ग्राफ बनता था, याद है बेटा। इसकी डेफिनेशन भी आपको याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा होता था बेटा, सीढ़ी की तरह होता था, ये 1 2 3 4, ठीक है, और इधर क्या होगा बेटा, ये आपका -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये सीढ़ी की तरह ग्राफ होता है, स्टेयर की तरह, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका ये 1 है 2 है 3, ठीक है, और ये आपका है -1 -2, ठीक है, -3, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका -1 है -2 है और -3 है, ये बेसिकली। तो ये सपोर्ट, ये डॉटेड लाइन जो आपको बनाया गया बेटा, ये सपोर्ट के लिए बनाया गया, बाकी ग्राफ आपका जो डार्क दिख रहा है वही है। तो बताया था बेटा ये वाई बराबर जीरो लाइन है, फटाफट देखिए, ये वाई बराबर वन लाइन है, ये वाई बराबर टू लाइन है और ये वाई बराबर थ्री, एंड सो ऑन ऐसे आगे जाता है। और ये क्या है बेटा आपका वाई इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन, ये वाई इक्वल टू माइनस टू और वाई इक्वल टू माइनस, तो एंड सो ऑन ऐसे नीचे जाता है। तो ये बेसिकली ग्राफ क्या है, सीढ़ी की तरह। आप दिख रहा है ना, ये जो डार्क पोर्शन है वही ग्राफ है बेटा, ये जो आपको डार्क पोर्शन में दिख रहा है ना, यही आपका ग्राफ है बेटा, जो डार्क में दिख रहा है यही आपका क्या है बेटा, ग्राफ है, क्लियर है बेटा, हाँ इस तरह। तो ये बेसिकली आपका है ये ग्राफ, ठीक है ये डा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, कैसा आ रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल। ऐसी एक आखिरी क्या है बेटा, ठीक है, एक और बना बता देते हैं आखिरी, एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, याद है बेटा, और इसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो याद है इसका ग्राफ कैसे होता था, तीर की तरह होता था बेटा, याद है इसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करती थी, ये सब बता चुका हूँ बेटा, फटाफट देख लो बेटा, 0 1 2, ठीक है ना, -1 -2, क्लियर। तो कैसा होता है बेटा, ये y इक्वल टू ऐसे होता था, इस ग्राफ ऐसे तीर की तरह, ठीक है, देखिए बेटा। तो ये कौन सी लाइन है बेटा, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x -1 x प्लस वन एक्स प्लस टू, तो एंड सो ऑन ये है बेटा। तो ये वन है बेटा, ठीक है, ऐसे इधर ही आगे जाता है और ऐसे ही इधर। तो ये बेसिकली आपका है ग्राफ, ठीक है, एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट है एक्स माइनस इंटीग्रेबल एक्स, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, और आपको मॉड का हमने बता दिया था, क्लियर बेटा। इस तरह से ग्राफ ये बनते हैं बेटा, हटाएं इसको बेटा, हो गया सबका, ठीक, तो हटाते हैं इसको, आराम से आप स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे हम बात करते हैं, तो दो ग्राफ और सिंपल सिंपल उनको भी देख लीजिए फटाफट बेटा। अगर कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन, और एन क्या हो बेटा, एन की वैल्यू आपका हो बेटा 2 4 6 8 डॉट डी एस एफ बेटा। तो ध्यान रखना ऐसा जो भी ग्राफ होता है वो ग्राफ ऐसा होगा बेटा, ऐसा ही ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। इसका नेचर क्या होता है बेटा, इस तरह का ग्राफ होता है, ध्यान रखना बेटा। बस क्या होगा भाई, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे इसकी बेंडिंग थोड़ी सी 0 से 1 के बीच में ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एक्स पावर 2 का ग्राफ ऐसा बना रहे हो तो 4 का थोड़ा और बेंड करके बताना बना रहा होगा, 6 का और थोड़ा बेंड करके, बेंडिंग बस बढ़ जाती है बेटा। -1 से 1 के बीच में जो ग्राफ की बेंडिंग होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। चूंकि क्यों ऐसा होता है बेटा, चूंकि -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होगा उसका पावर जितना बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, उतनी ही छोटी, इसलिए बस। तो बस यही फर्क होता है, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे तो ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा बेटा, हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा। बस यहाँ के बीच में -1 से 1 के बीच में जो बेंडिंग होगी पावर ज़्यादा बढ़ाने पे ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो ये है आपका एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन का। अब एन आपका कोई भी इवन नंबर हो, चाहे 2 4 6 8 जो भी हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा सबको, फटाक से नोट कर लो बेटा। अगली बात करते हैं, क्लियर। अगला है एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन, लेकिन इन क्या हो बेटा, ऑड नंबर हो। क्या क्या बेटा, एक नहीं, एक होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो बता चुके हैं 3 5 7 9 डॉटेड ये सब। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा, इसका ग्राफ ऐसा होता है। सोचो ध्यान से बताओ, ऐसे ऑड नंबर होंगे तो तुम देखो ग्राफ का नेचर अपने आप खुद ही समझ सकते हो। सोचो अगर एक्स समान बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, तो ऐसा ग्राफ इधर बढ़ते हुए जाएगा बेटा। और बताओ घटाऊंगा तो निगेटिव घटेगी कि नहीं, तो ऐसे घटते हुए जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया, ऊपर ऐसे बढ़ रहा है ऐसे घट रहा है इधर। तो ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, ये एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन का ग्राफ हो गया, खत्म। एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन का। अब यहाँ पर भी वही बात है, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे इसके बीच में बेंडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा। बेंडिंग थोड़ी क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा। यहाँ पर पावर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे -1 और 1 के बीच की जो बेंडिंग होगी ग्राफ का वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। बस यही फर्क पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे बेसिक बेसिक ग्राफ थे बेटा। क्या थे, बेसिक बेसिक ग्राफ थे, ठीक है। ग्राफ पे हम बता रहे हैं बेटा और करके, अभी इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपका भी सब थोड़ा सा कम ही रहता है इस बात के लिए। ग्राफ पर और बेसिकली जो लेक्चर्स होंगे बेटा उनको हम अलग से डालेंगे बेटा आपको, ठीक है। ग्राफ नाम से उसको हम डाल देंगे अलग से, अभी स्टैंडर्ड हमने आपको सिखा दिया, तो ग्राफ के लेक्चर्स के लिए परेशान नहीं होना है। ग्राफ के जो लेक्चर्स होंगे उनको अलग से हम अभी आगे थोड़ा कुछ समय, कुछ महीने बाद, ये मान लो कि 15-20 दिन के बाद, या हो सकता हो जुलाई से, ठीक है। जुलाई 15-15 जुलाई 15-20 तारीख के बाद से ही ग्राफ पर हम एक एक वीडियो डालना चालू कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ग्राफ की कम से कम नहीं तो 8-10 वीडियो डालेंगे बेटा, तो अच्छे से पूरा ग्राफ की स्टडी आपको मैं सिखाऊंगा बेटा, जिनको इंटरेस्टेड हो बेटा, ठीक है। तो अभी केवल ग्राफ में हम इतना ही करते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको बताना चाहिए बेसिकली। अब हम वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, हम क्या थे बेटा, कहाँ पे पढ़े थे बेटा, डोमेन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, डोमेन। अब देखो यहाँ से कुछ फायदा होगा ना, ये यहाँ से सारी बातें हमको पता चलेगी। अब डोमेन के क्वेश्चन कुछ करते हैं, अब आते हैं डोमेन के कुछ अच्छे क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ ले एफ एक्स बराबर, देखो बेटा साइन इनवर्स 3 2x - 7/5 प्लस अंडर रूट में x - 1/(x-4)। ये जैसे क्वेश्चन है बेटा। अब जैसे ये फंक्शन है, आपसे क्या क्वेश्चन बोला है, इसका डोमेन निकाले, क्या निकालना है बेटा, ठीक है, डोमेन निकालना है बेटा। तो क्वेश्चन लिखो फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन में लिखिए बेटा फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो कैसे करेंगे बेटा, जिनको आता है वो स्क्रीन पॉज करके सॉल्व चालू कर दे बेटा, चालू हो जाए बेटा, सब लोग ट्राई करो बेटा, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए, इसके बाद सोल्यूशन मैच करिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले साइन इनवर्स फंक्शन है, उसके बाद रूट का है। तो साइन इनवर्स डिफाइन कब होता है, जब इसके अंदर की वैल्यू क्या होती है, याद करो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, इसके अंदर की वैल्यू क्या -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए कि नहीं बेटा। साइन इनवर्स का डोमेन याद करो तो अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। तो ये भी साइन इनवर्स तब डिफाइन होगा, क्या होना चाहिए बेटा, पहला नंबर इसके अंदर की जो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 2x - 7/5 इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, क्लियर है। अब हमको एक्स निकाले यहाँ से, इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। चलो 5 से मल्टीप्लाई करो सबको, तो क्या आया बेटा 2x - 7 और यहाँ 5। अब सब में 7 जोड़ो, यहाँ 7 जोड़ोगे 2 आएगा बेटा, यहाँ 2x, यहाँ 7 जोड़ो तो क्या आएगा 12। अब क्या 2 से डिवाइड करो, सबको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 6। तो x की वैल्यू क्या 1 से 6 आ रही है बेटा, तो ये इसको आप ऐसे लिख दो इंटर 1 से x belongs to 1 to 6, क्लियर बेटा, पहला ये। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा केस क्या होगा बेटा, इसको भी, ये तो पहले का डोमेन आ गया, इसका डोमेन हमारा आ गया बेटा 1 to 6। अब बात करते हैं उसके डोमेन की, तो बताओ अंडर रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा,
अंडर रूट के अंदर का नंबर जीरो या जीरो से बड़ा, हमें याद याद है बेटा कैसे करते हैं। अब डिनोमिनेटर जीरो होना नहीं चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वन पे जीरो और ये फोर पे छोटा नंबर, पहले बड़ा नंबर बाद में, पूरा नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड कर लो बेटा। अब चलो साइन लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस सबको पता है। चलो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ और यहाँ पे होना चाहिए बेटा, साइन लिखना हम लोग को आता है बेटा, ठीक है। जिनको इनइक्वालिटी में कोई भी दिक्कत हो बेटा, इनइक्वालिटी की बेसिक लेक्चर डाले गए हैं बेटा, उनको आप देख लीजिए आप जाके। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से वन, ठीक है ना। तो बताओ वन सोल्यूशन में होगा, हाँ, लेकिन फोर सोल्यूशन में नहीं होगा। इनइक्वालिटी के अगर लेक्चर के बारे में बता दे बेटा, अगर कोई बच्चा जिसका इनइक्वालिटी का शुरुआती लेक्चर छूटा है बेटा, तो शुरुआती अभी लेक्चर्स हमने नहीं डाला है बेटा, ठीक है। हमने मॉड से जो इनइक्वालिटी के लेक्चर्स हैं वो आपको मैथ में आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। इनइक्वालिटी नाम से आपको देखना प्लेलिस्ट में जाना, तो इनइक्वालिटी नाम से होगा बेटा। अभी हमने मॉड से वहाँ पर डाला है बेटा, उसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो अभी हमने उनको अपलोड नहीं किया क्योंकि वो क्लास में बच्चों को हमने करा दिया था। तो उसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे बेटा, वो हम धीरे धीरे डालना चालू कर देंगे बेटा, ठीक है। तो उसके आगे के लेक्चर अभी हम क्लास 11th का भी इनइक्वलिटी का लेक्चर अभी डालेंगे बेटा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, इनइक्वलिटी की बेसिक लेक्चर्स, यहाँ तक सही है बेटा, ठीक है। तो ये इसका डोमेन ही आ गया, इसका डोमेन ही होगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो ध्यान से बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखो ये वन से छः है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप आराम से जैसे इंटरसेक्शन लेते हो वैसे लेना। तो माइनस यूनिटी से वन, क्या वन कॉमन मिला, और ध्यान से बताओ क्या चार से छः भी कॉमन मिलेगा, नहीं। तो फाइनली जो आंसर आपका आएगा बेटा, जो ले लेना, तो डोमेन आएगा एक्स बिलोंग्स टू फोर टू सिक्स और वन भी आपका सोल्यूशन में होगा। तो ये फाइनली आपका आंसर है बेटा, वन भी होगा और फोर टू सिक्स, क्लियर बेटा। तो ये फाइनली आप इंटरसेक्शन ले लेना बेटा आराम से, तो देखो वन दिख रहा है यहाँ पे और फोर टू सिक्स, क्लियर। तो ये फाइनली आंसर है बेटा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा। हटाएं इसको बेटा, देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं बेटा। कभी और क्वेश्चन आपको ऐसे देता है, क्वेश्चन क्या देगा बेटा, कभी कभी आपसे ऐसे देगा, देखिए क्वेश्चन कैसे लिखिएगा बेटा, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, आपको बता देगा ऐसे कि यार वन टू थ्री, मान लो इस इंटरवल में डिफाइंड है, कह देगा मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है वो इस इंटरवल में डिफाइन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ लॉग एक्स। अभी ये कह दिया इसे फर्स्ट, अब इसको कैसे करोगे बेटा, सोचो इस क्वेश्चन, ट्राई करो बेटा, स्क्रीन पॉज करके सब ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन को देखिए बेटा, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा ठीक, ट्राई करो बेटा सब लोग, कैसे करेंगे बेटा सिंपल सा, ठीक है। आप सब ट्राई करो, उसके बाद सब ट्राई करिए बेटा, ठीक है। ट्राई करने के बाद सोल्यूशन देखिए, तो कैसे देखिए, सोचो एफ एक्स कहाँ डिफाइन है, वन से थ्री, मतलब जब अंदर की वैल्यू, ऐसे याद रखो, अंदर की वैल्यू अगर वन से थ्री के बीच में लाई करेगी तब ये डिफाइन है। तो बताओ ये वाला भी कब डिफाइन होगा, जब इसके अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, वन से थ्री लाई करे, बस खत्म है सब। तो इसका मतलब अंदर की वैल्यू क्या है, लॉग ई बेस पे एक्स, ये कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए बेटा, वन से थ्री, क्लियर है। अब बताओ इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होगा बेटा, अब सोचो, या अच्छा इसको मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखता हूँ, वन को क्या लिखता हूँ, लॉग ई बेस पर, बताओ वन कहाँ होता है, क्या लॉग ई बेस पे ई की वैल्यू वन हो जाएगी कि नहीं बेटा, ठीक, ये जैसे है वैसे ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बस लॉग में। अब अच्छा बताओ तीन किसका मान होगा, क्या लॉग ई बेस पे ई के पावर थ्री, लॉग ई बेस पे ई के पावर थ्री की वैल्यू क्या होगी, तीन होगी कि नहीं, देखो बेटा। अब सोचो लॉग कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, तो फिर अगर मैं लॉग हटा दूँ तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो लॉग सब तरह से हटा देते हैं बेटा, तो रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लॉग कैसा फंक्शन है बेटा, लॉग आपका होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से एक्स वैल्यू आ गई बेटा ई से ई की पावर थ्री, अरे समझ में आ रहा है बेटा सबको, सिंपल सा। तो इस तरह से करते हैं बेटा, ई से ई की पावर थ्री दोनों तरफ क्लोज होगा बेटा, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें नहीं, जब डाउट सबको कराएंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, और कुछ अभी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आपको देते जाएंगे बेटा, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा अभी आ जाए, स्पीड अप हो जाए हम लोग का बेटा, फिर उसके बाद हम लोग सारे, ठीक है, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको करा ही रहे हैं प्रैक्टिस बेटा, ठीक है, समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगर अब बेसिकली बोले बेटा तो डोमेन पर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए बेटा, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया हम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की, किसी बात करते हैं रेंज की, तो हेडिंग डालिए सब लोग रेंज, ठीक है। अब रेंज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो रेंज के बारे में अगर समझते हो, रेंज है क्या बेटा, तो रेंज की डिफिनेशन क्या है, रेंज आर नथिंग बट वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट इट्स डोमेन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इट्स डोमेन। तो डोमेन्स पर अगर सिंपल भाषा में बोलो तो डोमेन्स पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है उन्हें क्या बोलते हैं, रेंज करते हैं। तो क्या लिखो बेटा, दीज आर द, देखो द वैल्यूज ऑफ फंक्शन, द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, ये एफ एंड डॉट मतलब फंक्शन है बेटा, एट इट्स डोमेन, एट इट्स डोमेन एट इज कॉल्ड, एट इट्स डोमेन इज कॉल्ड रेंज। करी मतलब है कि डोमेन्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज होती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। डोमेन्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज होती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब ठीक है, अब रेंज के अब बताते हैं कैसे। तो कुछ हम स्टैंडर्ड फंक्शन के रेंज आपको लिख दे रहे हैं बेटा, ठीक है। स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए बेटा, और उसके बाद फिर फटाफट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सम स्टैंडर्ड फंक्शन उनके रेंज, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस और देन के रेंज, और यहाँ पे इनके रेंज। तो फटाफट ये टेबल भरते हैं बेटा, ठीक है। तो फटाफट देखते चलो बेटा, बहुत सारे फंक्शन का आपको बताया, ग्राफ भी आपने काफ़ी देख लिया बेटा, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनकी रेंज हम लिखते रहे, फटाफट आप मैं आप लिखते जाइए फटाफट, ठीक है। तो ये बताना चाहिए, तो चलो फटाफट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक्स, बताओ इसका रेंज क्या होगा बेटा, इसका रेंज होगा सारे नंबर, ठीक है ना। दूसरा नंबर बेटा एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या होगा बेटा, सारे पॉजिटिव नंबर्स, क्या लिखोगे बेटा, आर प्लस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जीरो से इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? तो आप लिख दो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी। तीसरा फंक्शन क्या लिखे बेटा, अगर एक्स पावर थ्री बोला तो क्या होगा बेटा, इसका रेंज क्या होगा, सारे रियल नंबर, ठीक है। चौथा फंक्शन अगर बात करें, चौथे फंक्शन के जैसे आपसे बोल दिया मॉड एक्स, तो बताओ मॉड एक्स का रेंज क्या होगा बेटा, सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो या जीरो से बड़े नंबर होंगे ना बेटा। क्लियर है? देखो पाँचवा, अगर आपसे बोला e के पावर x, तो इसका भी रेंज क्या होगा, सारे नंबर। ग्राफ ही देखो बेटा, ग्राफ से आपको नजर लगेगा कि y के मान सारे पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि याद करो e पावर x का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आता है, देखो ऊपर ही आता है बेटा, ठीक है। और कौन सा, छठा log का बताओ क्या होगा बेटा, log e बेस, इसका रेंज क्या होगा, तो log की वैल्यू सारे रियल नंबर होती है, ठीक है। आप देखो ग्राफ तो आपको अंदाजा लगेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। log की वैल्यू क्या होती है बेटा, सारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू होती है। ये सब पर ये बेसिक छः हुए, और आगे लिखते हैं, इनको मिटाए बेटा, ये सब हो गया, ये सब नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे और लिखते हैं बेटा, हम मिटा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसके आगे हम ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। सातवां नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ इसका रेंज क्या होगा बेटा, सोचो फटाफट बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होगा बेटा, इसका रेंज होगा सारे इंटीजर्स, ठीक है ना। आठवां, फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से, जीरो से वन के बीच में लाई करते हैं ना, तो इसका रेंज होगा जीरो से वन, वन नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, साइन, साइन का रेंज क्या होता है बेटा, साइन की वैल्यू याद है बेटा, माइनस वन से वन, सब लिखवा चुका था बेटा ग्राफ में, याद करो। सिमिलरली कॉस का भी कैसे होगा बेटा, चलो फटाफट लिखते हैं बेटा, कॉस का रेंज क्या होगा बेटा, ये भी सेम माइनस वन से वन। इसके बाद आता है टैन कॉट से कॉस एक साइन इनवर्स कॉस में, बहुत सारे तो स्टैंडर्ड कुछ फंक्शन है उनके हम लिख दे रहे हैं बेटा, बहुत सारे तो आपको ग्राफ से ही अंदाजा लग रहा है सबका। साइन कॉस के बाद आता है टैन का, तो टैन का रेंज क्या, सारे रियल नंबर होते हैं बेटा, तो टैन के रेंज क्या होंगे बेटा, सारे रियल नंबर। अगला आता है कॉट, कॉट का क्या होगा बेटा, कॉट के भी सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। कॉट के बाद क्या आता है बेटा आपका सेक, तो सेक के रेंज क्या होता है बेटा, याद है सेक की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन क्या वन से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से। तो इसके बाद आता है 14 कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू क्या आती है बेटा, इसका भी वैल्यू क्या आता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक, सही है। अब अगला आता है 15 साइन इनवर्स, किसकी बात करते हैं बेटा, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। यहाँ तक सही बेटा, नोट कर लो, चलो
नोट कर लीजिए बेटा सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम लोग कर चलते हैं, रफ करते हैं ऊपर बेटा इन सबको। क्लियर है? नोट कर लीजिए, आप स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लिया करें। ठीक है बेटा, आगे वो करते हैं बेटा। तो कहाँ तक हो गया? 15, 16। साइन के बाद क्या आएगा बेटा? कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका रेंज क्या होता है बेटा? याद है 0 से पाई, सब लिखवा चुका हूँ बेटा इनवर्स का जब ग्राफ बनवाया था। इसके बाद आता है बेटा टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है बेटा? -π/2 से +π/2। और दोनों तरफ क्या होता है बेटा? दोनों तरफ ओपन होता है। इसके बाद आता है बेटा कॉट इनवर्स एक्स। क्या आएगा बेटा? कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका रेंज क्या होता है बेटा? इसका रेंज होता है 0 से π, 0 से, और दोनों तरफ ओपन। 19 नंबर, सेक इनवर्स एक्स। तो इसका रेंज क्या होगा बेटा? इसका रेंज होता है बेटा 0 से π, दोनों तरफ क्लोज होगा, बस क्या नहीं होनी चाहिए? π/2, क्योंकि π/2 पे कॉस डिफाइन सेक डिफाइन नहीं होता बेटा। 20 नंबर अगर हम बात करें तो अगला क्या है बेटा? कॉस एक इनवर्स एक्स। कॉस एक इनवर्स एक्स। तो इसका रेंज क्या होता है बेटा? इसका रेंज होता है बेटा -π/2 से +π/2, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। सही है बेटा, यहाँ तक सही आ रहा है? तो ये बेसिकली कुछ आपके स्टैंडर्ड फंक्शन थे बेटा लगभग बीच, ठीक है, जिनका आपको पता है बेटा, बहुत सारों का पता है, सब ग्राफ से आप सीख भी चुके हो बेटा। तो ये स्टैंडर्ड, इनके डोमेन आपको पता होने, इनके रेंज आपको पता होने चाहिए। क्लियर है बेटा? अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है? सही बच्चों? ठीक, तो नोट कर लीजिए बेटा इनको, ठीक है, रफ करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं रेंज के प्रॉब्लम्स पे। ठीक है बेटा, तो रेंज के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग के, रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है ना? पहला पहला आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला एफ एक्स बराबर आपको दे दिया बेटा, मान लो सबसे पहला ही फंक्शन दे दिया f(x)। मान लो आपको दे दिया x²(-1)x²+1)। मान लीजिए फंक्शन ये है, कह दिया इसका रेंज बताइए। तो कैसे करोगे बेटा सबसे? तो देखो, रेंज निकालने का प्रोसेस समझो पहले, कैसे निकालते हैं बेटा। बेसिक जो फंक्शन होंगे अलजेब्रिक, जो मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे बेटा, आपको फंक्शन दिया होगा बेटा, अब हमको इसका रेंज निकालना है। अब देखो, रेंज के साथ साथ डोमेन भी बताते चलता हूँ बेटा। डोमेन तो आप, बटे का नंबर है, डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है। देखो, परफेक्ट स्क्वायर, इसका मान 0 है 0 से बड़ा 1 0 तो 1 से बड़ा होगा, अंदर नीचे की वैल्यू क्या होगी? डिनोमिनेटर। सोचो परफेक्ट स्क्वायर है ना x², तो x² वैल्यू 0 है 0 से बड़ी होगी बेटा, उसमें 1 जोड़ोगे तो नीचे की वैल्यू क्या 1 या 1 से बड़ी होगी बेटा। तो कभी भी इसका मान 0 हो सकता है? नहीं। तो इसके डोमेन क्या होगा? सारे नंबर। रेंज बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? रेंज। ठीक है, मैं डोमेन भी लिखते जा रहा हूँ तो आप परेशान हो, अगर पूछा आपसे रेंज ही क्या है, मैं सबको समझाते भी जा रहा हूँ डोमेन भी। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? फंक्शन को y बराबर मान ले, तो फंक्शन को क्या बराबर कर लो? y के बराबर फंक्शन को मान लो, ठीक है, और x में कंडीशन निकाल लो। क्या निकाल लो? x में कंडीशन। तो बताओ, यहाँ से x वैल्यू निकालो तो क्या होगा? x²y + y = x²-1। तो यहाँ से ध्यान देखो, x स्क्वायर को एक तरफ लाओ तो आएगा x²y - 1 = -1 - y। तो ध्यान से अगर आप देखो तो x² बराबर क्या होगा? माइनस में मल्टीप्लाई कर दे, क्या y - 1/(1 - y) आएगा कि नहीं बेटा? अब यहाँ से कंडीशन लगा दो। देखो, परफेक्ट स्क्वायर है, हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर का मान 0 है 0 से बड़ा होगा। तो सोचो, x² का मान 0 है 0 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू भी 0 है 0 से बड़ी होगी ना। इसका मतलब y+1/(1 - y) इसकी वैल्यू 0 है 0 से बड़ी। अब वही बात है, इनइक्वालिटी आ गई बेटा सिंपल सा। तो अपने फंडे तब रखते हैं जो y के पहले क्या होता है? प्लस है। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बना लेंगे, तो y+1/(y - 1), लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट चेंज हो, रिवर्स हो जाएगा बेटा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती बेटा? 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाओ, क्या लिखोगे बेटा? -1 छोटा नंबर, बड़ा नंबर 1। अब पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। चलो, ±+ साइन लिखना सबको आता है बेटा फटाक से। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई बेटा -1 से 1। -1 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो वाई के मान को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? वाई का जो मान होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -1 से 1। -1 पे क्लोज होगा, 1 पे ओपन। देख लीजिए बेटा आराम से, देख लीजिए फटाक से बेटा। तो ये आपका रेंज आया बेटा। क्लियर है इस क्वेश्चन में? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया ये वाला क्वेश्चन पहला, देख लीजिए आराम से, सिंपल सा है बेटा। तो y का मान इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो हमेशा हर फंक्शन को ज़्यादा, मोस्टली क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करोगे बेटा। फंक्शन को y बराबर मान लो,
एक्स में कंडीशन निकाल लो, फिर उसको रख दो बेटा, वहाँ से अपने आप वाई का मान आ जाएगा, और वाई के मान को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे के। दूसरा क्वेश्चन, मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बताना है इसका रेंज। पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, बताओ इसका डोमेन। डोमेन पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ। डोमेन क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर शायद इनइक्वलिटी याद होगी तो मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक होता है जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ऐसे समझो बेटा, इस बात को मैं तुमको समझा भी सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस बात को मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, मान लो ये पॉजिटिव है एक्स के सभी मानों के लिए, तो ऐसा कब हो सकता है बेटा? ये ऐसा तभी हो सकता है या तो जब उसका ग्राफ ऐसा हो बेटा, तभी ऐसा पॉसिबल है। और कोई केस है बेटा, सोचो ऐसा होगा तो वो तो निगेटिव हो गया ना बेटा, एक्स के सभी मान पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्स के सभी मान के लिए पॉजिटिव तभी होगा जब उसका ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए। और उसका ग्राफ अगर ऐसा होगा तो बताओ कंडीशन क्या होगी, बताओ ए पॉजिटिव होगा कि नहीं बेटा, और न कट करेगा न टच करेगा, तो डी का मान भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या बोलते हैं बेटा, ए पॉजिटिव और क्या हो बेटा, डी पॉजिटिव। ये कंडीशन होती है बेटा। ऐसे अगर नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, तो क्या होगा बेटा, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाता है। तो ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव, सॉरी सॉरी, न कट करेगा न टच करेगा, तो डी की वैल्यू क्या आती थी, नेगेटिव, याद है, इमेजिनरी रूट्स। तो आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्स सभी मानों के लिए पॉजिटिव कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव। इसको कोने कहीं लिख लो बेटा, ये वाली बात लिख लो बेटा। ठीक है, और वही बात देखो यहाँ अप्लाई करो। देखो नीचे जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका ए पॉजिटिव है, हाँ, डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस फोर इसका माइनस थी ना, डी नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। अगर इसका मान जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ध्यान से बताओ, क्या इसका डोमेन सारे रियल नंबर, इसका मतलब एक्स कुछ भी रखो, क्या हर एक्स पे डिफाइन है, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा, सारे रियल नंबर। उसको नोट आउट कर लीजिए बेटा, उसको रख कर रहे हैं, ठीक है, स्टार बना के उसको नोट कर लीजिए कहीं अगले पेज पर। तो चलो अब वही है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्स आपको इसको वाई बराबर मान लो, वाई बराबर फंक्शन को मान लेते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सही है? अब ध्यान से बताओ, अब यहाँ से वही एक्स में कंडीशन निकालते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबको एक तरफ लाओ बेटा, तो आएगा बेटा वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर y प्लस वन एक्स और ये वाई वन। ये आ गया बेटा क्वाड्रेटिक। अब ध्यान से बताओ ये क्वाड्रेटिक किस में है बेटा, x में क्वाड्रेटिक है, किस में है बेटा, क्वाड्रेटिक x में। ध्यान से बताओ इसका जो भी डोमेन निकाला, डोमेन क्या आ रहा था बेटा, x मान क्या सारे नंबर थे डोमेन, अरे x मान डोमेन मतलब ना, तो डोमेन इसके सारे नंबर थे। अब सोचो ये क्वाड्रेटिक किस में है, x में। ध्यान से बताओ x अगर रियल नंबर है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है ना, तो ध्यान से बताओ किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब, भाई ये क्वाड्रेटिक किस में है, x में। अब हम जानते हैं डोमेन सारे नंबर, इसका मतलब x मान क्या है, रियल नंबर है। अगर एक्स मान रियल है मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है बेटा, रियल है। अब ध्यान से बताओ किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब होते हैं बेटा, जब डी का मान जीरो या जीरो से बड़ा होता है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे बेटा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी क्या होगा बेटा, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए इंटू सी क्या, माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से यहाँ पे हम फार्मूला सिंपल लगा देते हैं, तो ध्यान से अगर आप देखिए इसके बाद, तो आपका आएगा बेटा ये y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, अब बताओ इसको टू का स्क्वायर इंटू, क्या इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, देख लो बेटा टू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मा क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मा, याद करो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लगाएंगे बेटा ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो आपका आएगा थ्री वाई माइनस वन, और दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा बेटा, बेटा वैल्यू थ्री माइनस वाई आएगा। आप कर लीजिए आराम से बेटा, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्म लग गया बेटा। अब सोचो यहाँ पर फंडे तब लगेगा जब वाई पहले प्लस हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका होगा वाई माइनस थ्री, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बेटा, चेंज कर जाएगा। अब नंबर लाइन बनाओ, बताओ ये वन बाई थ्री पी जीरो है, ये थ्री पे, छोटा नंबर पहले लिखो बेटा और बड़ा नंबर क्या लिखेंगे बाद में। पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पे, यहाँ पे पूरा नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो साइन लिखते हैं बेटा प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू हम क्या चाहते हैं, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ बीच में है बेटा,
तो क्या लिखोगे बेटा, वाई का मान जो आएगा यहाँ से 1/3 से 1, ठीक है, तो 1/3 भी हो सकता है और 3 भी, तो वाई के मान को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, यहाँ तक तो ये आपकी रही, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, अगले टर्न पे हम बात करेंगे, तो अगले टर्न पे हम थोड़ा रेंज के कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, दो चार प्रॉब्लम करेंगे बेटा, उसके साथ साथ ही रेंज खत्म होता है और फिर हम सीधे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, सीधे कंटिन्यू कर जाएंगे वहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि इसके बाद ही उसका यूज है बेटा। तो इसके बाद सीधे अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर पर कुछ क्वेश्चन कराने के साथ साथ ही हम लोग सॉरी अगले नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन कराएंगे, रेंज के दो चार पाँच क्वेश्चन और कराएंगे बेटा, दो चार क्वेश्चन कराने के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वहाँ पढ़ेंगे हम वन वन, मेनी वन, इन टू और ऑन टू। तो देखिएगा ये सब जानने के साथ साथ जब ये आप सब जाने रहेंगे तो वहाँ पे देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू, इनवर्स, ये सब सारे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं बेटा, ठीक है, बाय बेटा।